वेलकम फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रामा सीरियल जाने जहान में आप देखेंगे कि किश्वर बड़े खुशी के साथ रिश्ते के हवाले से बात करने के लिए जाती है आलिया के घर। हालांकि वो तो तबरेज के हवाले से बात करना चाहती है रिश्ते के लिए, लेकिन उन्हें शहराम बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है, जिस पर के इधर किश्वर को बहुत ही ज्यादा एतराजात होते हैं और फिर वो कुछ भी नहीं कहती और वापिस आ जाती है और फिर उसे बहुत ही ज्यादा अपने बेटे तबरेज के लिए दुख हो रहा होता है और फिर आकर वो उसे अच्छी खासी बातें भी सुनाने लग जाती है कि तुम्हारी हरकतों की ही वजह से कोई शख्स तुम्हें पसंद ही नहीं करता, आखिर मैं तुम्हारी खातिर कब तक कोशिशें करती रहूंगी, तुम्हें खुद बदलाव अपने अंदर लाना चाहिए और खुद को बदलना चाहिए, बिल्कुल शहराम की तरह ही बनने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि तबरेज ये बात सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो यही अपनी अम्मी से कह रहा होता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता, मुझे उस शख्स से बहुत ही ज्यादा नफरत है और आप मुझे उस जैसा होने के लिए मशवरे दे रही हैं, तो बेहतर यही कि आप अपने मशवरे अपने पास ही रखें। लेकिन अच्छी बात यही होती है कि इधर तबरेज का जो छोटा भाई होता है वो अब बहुत ही ज्यादा शहराम का साथ दे रहा होता है और वाकई ही वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और भी करना चाहता है, जिस पर कि शहराम को ये जानकर बेहद खुशी होती है और इसी वजह से शहराम उसका बहुत ही ज्यादा साथ भी देगा। फिर आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर महानूर ने फैसला कर लिया होता है कि अब वो ये गांव छोड़कर चली जाएगी, यहां पर मजीद वो नहीं रह सकती, लेकिन उसका वालिद वो उसे समझा रहा होता है और उसे बता रहा होता है कि ये फैसला तुम्हारा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, आखिर हम यहां से क्यों जाएं और कहां पर हम जाएंगे, इसलिए मैं तुमसे ये दोबारा कहता हूं कि तुम अपने फैसले पर गौर करो। जिसके बाद फिर जैसे ही शहराम को इस मुतालिक पता चलता है तो वो उसके घर आ जाता है और फिर माफी भी मांगेगा और यही कहेगा कि उसकी वजह से अगर किसी किस्म की कोई भी तकलीफ और मसाइल पैदा हुए तो वो उसके लिए बेहद शर्मिंदा और काफी ज्यादा दुखी भी है और आइंदा से वो यही कोशिश करेगा कि उसकी वजह से मसाइल पैदा ना हो। उसी के साथ आप ये भी देखेंगे कि किश्वर वो जीनत को साफ साफ बता देती है कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती शहराम से, क्योंकि शहराम महानूर को चाहने लगा है, उसे पसंद करता है। सो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि जीनत किस तरह से बदला लेगी शहराम से, आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा एंड ऑल्सो मेक श्योर टू